दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण, आइए शुरुआत करती हैं आज की कुछ खास खबरों से। राहुल गांधी को मिला अब नया ठिकाना, साउथ दिल्ली में रहेंगे, शीला दीक्षित से कनेक्शन। मानहानि केस में सजायाफ्ता होने के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। इसके बाद उन्हें मिली सरकारी आवास भी खाली करा लिया गया था। वे अपनी मां के साथ नई दिल्ली में 10 जनपद वाले बंगले में रहने लगे थे। अब खबर आ रही है कि वे दक्षिणी दिल्ली को अपना नया ठिकाना बना सकते हैं। उनके निजामुद्दीन ईस्ट B2 इलाके में शिफ्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जिस 3 BHK वाले मकान में रहेंगे वह दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के परिवार का है। शीला दीक्षित ने अपने जीवन के आखिरी साल इसी घर में बिताए थे। वह 1991 से 1998 तक इस घर में रही। 2015 के बाद वह फिर उसी फ्लैट में शिफ्ट हो गई। हाल ही में उनके बेटे संदीप दीक्षित ने एक अनौपचारिक नोटिस जारी कर अपने परिचितों को उसी इलाके में अपना निवास स्थान A5 में शिफ्ट करने की सूचना। राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इस साल मार्च में लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने 22 अप्रैल 2023 को अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया। वे अस्थायी रूप से अपनी मां सोनिया गांधी के साथ चले गए। दिल्ली समेत देश भर से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राहुल गांधी को रहने के लिए अपने घर देने की पेशकश भी की थी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ASB न्यूज़।